दिल्ली NCR में जल्द फिर से मौसम कुछ ज़्यादा ही बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक दिल्ली NCR में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। IMD ने भी दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि दिल्ली NCR में 3 मई तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक साइक्लोन सर्कुलेशन मौजूद है, वहीं एक तरफ उत्तर पूर्व झारखंड से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि यह वेदर सिस्टम का असर दिल्ली NCR के इलाकों पर ही नजर आएगा। दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं भी चलेंगी। हवा की तेजी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। मौसम विभाग ने 3-4 मई को भी दिल्ली में बारिश की आशंका जताई है। 29-30 अप्रैल को 1 मई को हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 मई तक मौसम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 29 और 30 अप्रैल में पंजाब में, जबकि 29 अप्रैल को हरियाणा, चंडीगढ़ में बादलों का गरजना, चमक, तेज हवाएं और तेज बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलेगी, जिसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। पंजाब में तो अगले 24 घंटों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।